الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین حبیبنا وحبیب رب العالمین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اس روحانی مرکز اور اس آستان عالیہ کے سجادہ نشین صاحب مسند جلیلہ حضرت قبلہ بابا جی پیر عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ومتعنا اللہ تعالی بطول بقائہ، میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ صاحب اور حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب اور اسٹیج پر موجود اجلہ افاضل اکابر حضرات علماء کرام مشائخ عظام خطباء ملت مدرسین کرام، اس روحانی مرکز کے مریدین مسترشدین معتقدین محبین اور منسلکین، میرے تمام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں اور یہ شرف مجھے نصیب ہوا، لیکن اپنے ساتھیوں سے علامہ سید مظفر شاہ صاحب اور علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے اس روحانی مرکز کے فضائل، اس کی برکات، اس کی نورانیت اور تجلیات کے بارے میں ذکر خیر سنتا رہا ہوں. اور یہ منظم پرنور منظر نہایت دلکش ہے، دل نشین ہے، دلاویز ہے اور دل ربا ہے. یہ چونکہ ایک رشد و ہدایت کا مرکز ہے، اس لیے
मैं इसकी मुनासबत से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आप हजरात बुजुर्गों की बेअत करते हैं। ये लफ्ज़ बेअत जो है ये उसी बे से बना है जो आप कारोबारी मैदान में करते हैं, खरीदो फरोख करते हैं, लेन देन करते हैं, जमीनों के, प्लाटों के, दुकानों के, मकानों के, जो उसके माना हैं, इस बेअत के माना भी यही हैं। जब इस बेअत के माना ये हैं, तो सौदा वो भी है, सौदा ये भी है। खरीदार वहां भी होते हैं, खरीदार यहां भी होते हैं। माल वहां भी होता है, कीमत वहां भी होती है। माल यहां भी होता है और कीमत यहां भी होती है। अब ये माल क्या होता है और कीमत क्या होती है, ये अल्लाह पाक ने कुरान में बयान फरमाया। फरमाया कि मिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह। कुछ लोग वो हैं जो अपने नफ्स का, अपनी जान का सौदा कर लेते हैं, अपनी जान को बेच देते हैं और बदले में कीमत क्या मिलती है? अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी। तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे कुछ, और जैसे दुनिया के कारोबार के डीलर होते हैं, एजेंसी होती है, नुमाइंदा होते हैं, तो इधर भी अल्लाह ताला की तरफ से डीलर बैठे हुए हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि ये जो आप बेअत है, ये आप जान इनके डिस्पोजल पर देते हैं और बदले में अल्लाह फरमाता है कि मेरी रजा मिलती है। फिर अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों और मालों को खरीद लिया है। हकीकत तो ये है कि न जान हमारी है न माल हमारा है। जान भी उसकी दी हुई है और माल भी उसका दिया हुआ है, लेकिन बंदा रब के साथ करता क्या है? अगर यहां कोई किसी को 1,00,000 रुपए दे दे और फिर कहे कि 2,500 या 5,000 भाई मुझे दे दो, और वो कहे कि मैं तो नहीं देता, तो आप कहेंगे बड़ा कमीने है। और अल्लाह हमें जान दे दे और माल दे दे और कह दे कि इसमें से कुछ हमारे नाम पे दे दो, तो बंदा उसके लिए तैयार ना हो। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों को और मालों को खरीद लिया है और कीमत के तौर पर जन्नत अता फरमाएगा। बेअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत देगा। ये भी नहीं कहा कि आपको के कोई
तलवार के नीचे गर्दन रखनी है, वो भी थे فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, वो अल्लाह की राह में जिहाद करने निकल खड़े होते हैं, कभी दुश्मन खुदा को मार देते हैं और कभी अपनी जान अल्लाह की राह में निछावर कर देते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि फस्तबशिरु बिबैकुम अल्लज़ी बायअतुम बिह, तुम्हें बशारत हो उस सौदे की जो तुमने अल्लाह से किया है। अब आप जरा दिल पर हाथ रख कर फैसला करें कि बेयत करते वक्त ये सोचा था आपने कि हम सौदा कर रहे हैं? जान का सौदा कर रहे हैं, माल का सौदा कर रहे हैं? आप तो बड़ा आसान करते हैं कि भाई इधर खिताबात होंगे, आप नारे लगाएंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह तो वो भी नहीं पहुंचे कि जिन्होंने अल्लाह के हबीब को अपने सामने उठते बैठते चलते फिरते खलबत में जलबत में बज़्म में रज़्म में देखा था, उन्हें भी अजीमत की राहों से गुजरना पड़ा था। आजकल तो आप नए बंडल लाकर फेंकते हैं और खरीद लेते हैं, कोई बात ही कोई नहीं है। दीन इतना सस्ता हो गया है बंदे की नजर में। तो जो सहाबा बेयत करते थे, कई बेयतें थी। पहली बेयत बेयत अल इस्लाम थी, जब कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होते थे तो सौदा कर लेते थे। जब हिजरत का वक्त आया तो बेयत अल हिजरत थी। जब जिहाद का वक्त आया तो बेयत अल जिहाद थी। और उसी बेयत में बेयत रिजवान भी थी कि अल्लाह ने फरमाया लकद रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज युबायउनका तहत शजरा, अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया, ए प्यारे हबीब, जो दरख्त के नीचे हुदैबिया के मकाम पर आपके हाथ पर बेयत कर रहे थे, सौदा कर रहे थे। सहाबी से पूछा कि आपने जो बेयत की थी तो आपके जहन में इसकी कीमत क्या थी? आपने जो अल्लाह के हबीब के हाथ में हाथ दिया था तो आपके जहन में कीमत क्या थी? उनका बायाना अलल मौत, हमने जान का सौदा किया था कि अगर अल्लाह और उसके रसूल को और दीन को हमारी जान मतलूब हुई तो जान पेश कर देंगे। ये इस्लाम ऐसे ही नहीं पहुंचा यहां तक, इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। फिर ये बेयत के मराहिल गुजरते रहे। ये तो शुक्र करो कि नूरानी सूरतें हैं, वरना आजकल सजादगी के मनसब पर वो बैठे हैं कि ये कौम अंधी तो नहीं है, अंदर तो झांक कर नहीं देख सकते, लेकिन ये तो देख सकते हैं कि इसका चेहरा चेहरा मुस्तफा के मुताबिक है। क्या ये हो रहा है? मैं अभी भी कह रहा था कि
एक दिन साल में शाह महमूद कुरैशी, यूसुफ रजा गिलानी, फैज़ साले हयात और न जाने कौन कौन पगड़ी पहन के मुरीदों को जन्नत छोड़ा दें। साल भर मुरीद भी फारिग, वो भी फारिग, ये कौन सी बैत है, ये कौन सा सौदा है। अल्लाह तो फरमाते हैं कि मिनहुम मन कदा नहबा वमिनहुम मन यंतज़िर, बाज़ तो मेरी राह में नक़्द जान पेश कर चुके हैं और बाज़ अपनी बारी के इंतजार में लाइन में खड़े हैं। है कोई लाइन में खड़ा? फिर कुरान बताता है, आप तो मर्द हो ना, कुरान बताता है कि या अय्युहन नबियो इदा जाअकल मुमिनात युबायिनका, ए प्यारे नबी, आपके पास मोमिनात सहाबियात बेयत के लिए आए तो ये मुफ्त का सौदा नहीं है। आजकल कहते हैं टी ओ आर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस या टर्म्स एंड कंडीशन, कि उनके सामने मंशूर रखो, उनके सामने शरायत रखो कि बैत की शरायत क्या है सहाबियात के लिए, आम नहीं। अल्लाह अल्लाह यु शिरक न बिल्लाह, कि वो शिरक नहीं करेंगी, वला यसरिकना चोरी नहीं करेंगी, वला यज़नीना बदकारी नहीं करेंगी, वला यफ्तरीना बैन अईदीहिन व अर्जुलहिन, और अपने हाथ पांव के दरमियान इफ्तरा परदाजी नहीं करेंगी, वला यक्तुलना औलादहुन्ना अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, वला यासीनक फी मारूफ और किसी नेक काम में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो मेरा रब मेरे हब नबी को फरमाता है कि ये मोमिनात साबियात बेयत करने आए तो 6 पॉइंट एजेंडा पेश करें, अगर उन्हें कबूल हो तो फबा ये हुन्ना, उनकी बेयत ले लें, ना हो तो ये मुफ्त का सौदा नहीं है। आज कितने पीर हैं कि जो एजेंडा रखते हैं सामने कि बाबा इस सब में दाखिल होना हो तो तुम्हें ये करना होगा और तुम पर कोई चेक एंड बैलेंस भी होगा, कोई खबर भी ली जाएगी। तो ये जो अहले सुन्नत व जमात जिन हालात से गुजर रहे हैं, इसलिए तो है कि रूह को हमने सल्ब कर दिया है और लफ्जों से खेल रहे हैं। और हुजूर साहबा से फरमाते कभी कभी कि तुमने भी अगर बेयत मोमिनात करनी और साहबिया तो आओ कर लो। तो इसलिए जो इन आस्थानों से वाबस्ता होते हैं तो अंधे बनकर वाबस्ता न हो। पहले तो ये देखो कि जिन बुजुर्गों की मसनत पर बैठे हैं खुद उसके मुताबिक हैं, जैसे यहां आपको नजर आ रहा है। कराची के माड़ी से चलो और खैबर तक, वागा से चलो और चमन तक, गली गली आस्थाने हैं, लेकिन ये मनाजिर नजर आते हैं। और मैं अभी भी कह रहा था कि हम तो इन मिलाद या ग्यारहवीं के जलसे में भी देख के बगैर नहीं आते, तो जो देख
कौरमे और पुलाव और बिरयानी के बगैर दो घंटा दीन का पैगाम सुनने के लिए कुर्बान न कर सकें तो ये अल्लामा खादिम हुसैन के साथ खड़े होकर मैदान में आएंगे। इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि करबला के सौदागर तो बहुत देखे हैं, खूने हुसैन के ताजिर भी देखे हैं, लेकिन अपनी करबला सजाने वाला इस दौर में एक ही खादिम हुसैन देखा है। इसलिए इन आस्थानों से जो वाबस्ता हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। मैं एक मरतबा इस्लामी यूनिवर्सिटी बाउलपुर गया, वहाँ खुतबा की ट्रेनिंग थी, तरबियत के लिए उन्होंने मुझे बुलाया कराची से। सारे वीसी डीन प्रोफेसर बैठे थे और डिवीजन के खुतबा थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे अजीजों, मैंने ये जो एडवर्टाइजमेंट के इदारे होते हैं, जो इश्तहारात बनाते हैं, टीवी पर चलते हैं, अखबारात में आते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी साइंस क्या होती है, जब आप कोई एड बनाते हैं, इश्तहार बनाते हैं, तो आपके पीछे जहन में क्या होता है। उन्होंने कहा हमारे जहन में ये होता है, साइंस ये होती है, इश्तहार इस तरह बनाते हैं कि अगला इश्तहार को देखे तो समझे कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट ना खरीदी तो मेरा नुकसान होगा। तो मैंने कहा हमने भी अपने आप को इस्लाम की मार्केटिंग के लिए पेश किया है, तो मुझे आप बताएं अगर हमारे दामन पर दाग होंगे, धब्बे होंगे, छोल होगा, तो कसूर हमारा होगा, लेकिन लोग तान इस्लाम पर करेंगे क्योंकि हम उसके नुमाइंदे बनकर आ रहे हैं। क्यों कि इस्लाम का इस्लाम आरिज है, उसका वजूद अलग कोई वजूद नहीं है, वो मेरे और आपके वजूद के साथ है, हमारी नमाज मेरे और आपके वजूद के साथ है। वरना तो ये हमारे क़िबला पीर साहब एक बहुत खूबसूरत सा मॉडल बना लेते और लोग पूछते इस्लाम कैसा होता है, तो पर्दा उठा के दिखा देते ऐसा खूबसूरत होता है। तो दुनिया तो आप में इस्लाम को देखेगी, मुझ में देखेगी, इन में देखेगी और फिर फैसला करेगी कि इस्लाम कैसा है। एक कैट स्टीवन पॉप सिंगर था यूके में, उसने इस्लाम कबूल किया, यूसुफ इस्लाम नाम रखा, तबलीग करने लगा, जर्मनी में गया और कुछ लोगों को इस्लाम में दाखिल किया, अपने गोरे लोगों को। साल के बाद गया कि अपने नौमुस्लिम भाइयों की खबर लूं, तो देखा कि वो जो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आया था पलटकर फिर ईसाई हो गया। तो कहा, मैंने पूछा कि बाबा ये क्या हो गया, मैं तो आपको कलमा पढ़ाकर गया था। उसने कहा कैट, तुमने मेरे सामने कुरान का और सीरत मुस्तफ़ा का इस्लाम पेश किया था, उसको पढ़कर मैं मुसलमान हो गया था, लेकिन जब चलते फिरते मुसलमान को देखा तो पलट कर ईसाई हो गया। बात समझ में आ रही है? एक सहाबी एक इलाके में जाता था और पूरे इलाके में इनकलाब आ जाता था। हमारे इस खत्ते में इस्लाम कैसे आया? बादशाह लेकर नहीं आए, दाता साहब लेकर आए, ख्वाजे अजमेर लेकर आए, बाबा फरीद लेकर आए,
तो क्या हमारे साथ भी इस्लाम कैरी कर रहे हैं आजकल? बंगले बनते हैं मगरिब में भी, बंगले बनते हैं यहां भी, वो जन्नत का बंगला भूल जाते हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि 5 मरले का प्लॉट खरीदो तो 15 माहरीन से पूछो, और जन्नत में महल खरीदो तो किसी से ना पूछो। इसलिए मेरे अजीजों, मेरा पैगाम ये है, एक तो मैं सारे आरास वालों से कहता हूँ कि तरबियत के लिए इस्तेमाल करो इन मजालिस को, और तरबियती तालीमी और फिक्री खिताबात करो। मैं खिताब करूं तो आपको खुश करने के लिए नहीं है, रब को खुश करने के लिए, अल्लाह के प्यारे मुस्तफा को खुश करने के लिए। जहां जाकर आपने भी जवाब हिसाब देना है और मैंने भी देना है। तो हम किसी चौधरी के सामने खड़े ना हो सके हिम्मत के साथ, तो किसी और मुश्किल में खड़े होंगे। यही तो कौम है ना जो यहां नारे लगाती है, और पर्दे के पीछे अगर उनको फैसला करना पड़े, जहां वो काजी होते हैं, जज होते हैं और बैलेट पेपर पर मोहर लगाते हैं, उस वक्त सोचते हैं कि अल्लाह के सामने जवाब देना है, अल्लाह के रसूल के सामने जवाब देना है? उस वक्त तो तरजीहात और होती हैं। दूसरा ये कि तरबियत का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि नबुव्वत के फराइज में कुरान ने बयान किया कि वल्लज़ी बाअथा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। एक आयात इलाही की तिलावत है, वयुज़क्कीहिम, और वो उनके कल्ब और रूह को साफ करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो क्या कल्ब का रूह का तस्किया आज हमारे हो रहा है मराकज में? कहीं तरबियत का इंतजाम है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। तो ये बेअत अगर कोई थी, अगर कोई है, तो तालीम के लिए है, तरबियत के लिए है, तस्किये के लिए है, किताब और हिकमत की तालीम के लिए है। और इस तरह इनकलाब बरपा होता था कि कहते अबू ज़र गिफारी मक्के में आते हैं, उन्होंने सुना है कि कोई शख्स है जिसने नबुव्वत का दावा किया है, सलमान फारसी आते हैं दूर का सफर करके, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते कि पूछें कि वो मोहम्मद कौन है। ये भी पता था कि दुश्मन है चारों तरफ। तो एक दिन दो दिन हजरत अली मुर्तदा रजी अल्लाह अन्हु ने देखे कि अजनबी है, उसको एक दिन खाना दे दिया मेहमान की तौर पर, दोबारा दे दिया, तीसरे दिन बैठा हुआ है। तो फिर पूछा कि भाई कैसे तशरीफ लाना हुआ? उन्होंने डरते डरते बताया कि मैंने सुना है कि किसी ने यहाँ नबुव्वत का दावा किया है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, मगर फासले से आना, ताकि किसी को पता ना चले कि आप उनकी तलाश में हैं। जब मैं इशारा करूं तो पता चल जाएगा कि ये उनका ठिकाना है। तो
कलमा पढ़ने से पहले खौफ का ये आलम है, और कलमा पढ़ लेते हैं तो जाके मैदान में कलमे शहादत कहते हैं, मार खाते हैं, लहू लहान होते हैं, लेकिन वो खौफ खत्म हो जाता है। इनकलाब आता है, तब्दीली आती है। तो ये एक कलमा इतनी तब्दीली लाता है कि जाहिर व बातिन को बदल देता है। इसलिए एक तो मैं कहूँगा कि दीनी मदारिस व जामियात बनाओ। हम गए गुजरे दौर में हैं, लेकिन इस हद तक गनीमत है कि हरमैन तैयबैन समेत रूए जमीन की सारी मस्जिदें बंद हो गई कोरोना की वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की मस्जिदें खुली रहीं और हमने बंद नहीं होने दिया। और इन मस्जिदों के खुले रहने से, आपकी दुआओं की बरकत से, पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम मुतासिर हुआ। तो मदारिस मसाजिद को आबाद करो, मदारिस कायम करो, मगरिब वालों को फिक्र होती है, तुम्हारे हुक्मरानों की नहीं होती, वो तो उनके गुलाम हैं। फिक्र होती है तो मदारिस की और मसाजिद की होती है। क्यों होती है? उनको पता है कि ये वो मराकज हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान के मदारिस जामियात के, जहां सिर्फ उलूम मुस्तफ़ा ही को नहीं सूरत मुस्तफ़ा को भी बचाया हुआ है। कोई क्लीन शेव अजहर में खुतबा दे सकता है, काहिरा में दे सकता है, दिमश्क में दे सकता है, बगदाद में हमने खुद देखा है, नहीं दे सकता तो पाकिस्तान की किसी गांव की छोटी मस्जिद में भी नहीं दे सकता। तो ये इन मराकिस को आबाद, इनकी बरकत से दीन कायम है। और इसलिए ये जो आवारगी सोशल मीडिया पर बरपा कर रखी है, खास तौर पर एक लीडर ने और उनके मानने वालों ने, इस दौर में जितना अखलाक को और किरदार को तबाह किया है, ये 75 सालों में नहीं हुआ। तमाम हुरमतें पामाल कर दी गई हैं कि ये नौजवान कहते हैं उनके बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक वक्त था कि ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, ये अल्लाह के रसूल की शान में नाज़ेबा बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, ये अल्लाह के वलियों की शान में सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो हजम हो जाता है, लेकिन अपने लीडर की तोहीन हजम नहीं होती। तो क्या ये आगे काम आएंगे? ये कब्र में काम आएंगे? कुरान तो बताता है कि वहां ये कहेंगे, वकालू रब्बना अरिन अल्लज़ीन अदल्लाना मिनल जिन्न वल इंस, ए अल्लाह जिन्नो इंसान के गुमराह करने वालों ने हमें बहका दिया, भटका दिया, गुमराह कर दिया, ए अल्लाह उन्हें हमारे सामने तुला, नजल हुमा तहत अक्दामिना, ताकि हम उन्हें अपने कदमों तले रौंद डालें, लियकूना मिनल असफलीन, और रब्बना आतिहिम दीफेन मिनल अजाब वलअनहुम लानन कबीरा, ए अल्लाह तू हमसे दुगना अजाब दे उनको और उन पर बड़ी लानत फरमा। तो एक तो यह कि दीन के नाम पर जो गैरत थी वो मिट रही है। अगर इस कौम में दीन के नाम पर गैरत हो तो सोशल मीडिया में लीडर की तोहीन हो
तो हजारों मैदान में आ जाएं और मुकद्दसात दीन की तोहीन हो तो कोई हरकत भी ना करे, तो फिर हम किस काम के? हम आगे क्या जवाब देंगे? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा है कि इन मजालिस को तरबियत के लिए इस्तेमाल करो, नजरियाती और फिक्री खिताबात करो। आज हमारे अकायद भी बिगाड़े जा रहे हैं और जो नक्शबंदी मराकज हैं उनकी तो खास जिम्मेदारी है कि रफ्स का नफूज हो रहा है। और किस तरह हो रहा है? दामे हम रंग जमीन, वो कहते हैं ना शिकारी जमीन में जो जाल बिछाता है वो मटियाले रंग का होता है ताकि शिकार को नजर ना आए और उसमें फंस जाए। तो आपको भी ऐसे ही शिकार किया जा रहा है, कहीं मोहब्बत अहले बैत के नाम पर, अहले बैत की मोहब्बत तो हमारे ईमान का जुज है, अहले बैत की मोहब्बत तो हमारे ईमान का तकाजा है, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर तकमील ईमान नहीं होती। लेकिन ये कहां से आया कि अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में आप सराहतन इशारतन किनायतन तारीजन तौरीयतन सहाबा की तोहीन करें? और ये पिंडी में हुआ कि एक शख्स स्टेज पे तकरीर कर रहा है, दाद मिल रही है कि मैं आले रसूल हूं, मेरा नसब बयान होगा, फुलां बिन फुलां बिन फुलां 1400 साल का सफर तय करके बिन इमाम जैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब, कहते मोहम्मद तो इसमें है ही नहीं, तो मोहम्मद को अबू तालिब में जम कर दिया। तो क्या अल्लाह के प्यारे मोहम्मद जम होने के लिए आए थे? बोलो। हमने आज तक तो ये पढ़ा और पढ़ाया कि लौला कलमा खलक्तुल अफलाक, कि ये कारखाना है कुदरत बनाया ही अल्लाह ने अपने प्यारे मुस्तफा के लिए। अब वो कहते हैं वो तो सेकेंडरी हो गए, सानवी चीज हो गए, जम हो गए। तो अगर तुमने आले रसूल कहलाना है तो मेरे आका ने फरमाया कि कुल्लू बनी अबिन और कुल्लू बनी उनसा असबतुहु मिन अबी, कि हर बाप का बेटा या हर मां का बेटा उसका नसब उसके बाप से चलेगा, इल्ला बनी फातिमता, मगर खातून जन्नत की जो औलाद है। फरमाया कि अना असबतुहुम, सैयदा फातिमतु जहरा रजी अल्लाह अन्हा के जंक्शन से उसका ट्रैक मेरे आका की जानिब मुड़ जाएगा, वरना हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हा की जो गैर फातिमी औलाद है, आवान कहलाते हैं, अली कहलाते हैं, अलवी कहलाते हैं, सादात तो नहीं कहलाते, लेकिन कहते हैं कि मोहम्मद को जम कर दिया और हजम कर दिया लोगों ने। तो अगर आप ये बात हजम कर लेते हैं तो फिर नामों से मुस्तफा कहां बची? अगर आपके सामने मैदान में कोई कहे कि मोहम्मद को अबू तालिब में जम कर दिया और आपको गैरत ना आए तो फिर और कोई तोहीन है? तो जो गुलाम मुस्तफा है वो नामूस मुस्तफा, नामूस अहले बैत, नामूस उम्महातुल मोमिनीन, नामूस सहाबा किराम, नामूस औलिया किराम, नामूस अम्मा दीन, नामूस मुकद्दसात दीन के मसले में
गैर जानबदार नहीं रह सकता, उसको मैदान में आना होगा, उसको पोजीशन इख्तियार करनी होगी, फिर ये जसारतें नहीं होंगी। इस तरह का जुमला तो किसी राफजी ने भी नहीं कहा मैदान में। और ये सब सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो इसलिए सोचो, गौर करो, फिक्र करो, गैरत पैदा करो। गैरत ईमानी, हमीयत ईमानी, हमीयत दीनी। अल्लाह मुझे भी, सबसे पहले मुझे और फिर आपको और हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। और अगर इन मुकद्दसात की तोहीन होती रहे तो अल्लामा खादिम हुसैन रहमहुल्लाह ताला कहते थे कि ये फिर हमारा जीना क्या जीना है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह, मुफ्ती अहले सुन्नत, तर्जमान अहले सुन्नत आलमी, मुबल्लिग इस्लाम, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हुजूर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब।